So students, in this video we are going to cover up your 13th chapter of English course book. It's a poem, Woodman Spare That Tree. Naam se bahut acche samajh mein aa raha hai. You can very easily get it with the name that what the poem suggests. Okay, the Woodman Spare That Tree. Woodman, ped kaatne wala, and spare that tree. That means is ped ko छोड़ दो. द पोएट इज हियर रिक्वेस्टिंग अ वुड मैन नॉट टू कट अ ट्री एंड वी विल सी द पोएम इन डिटेल व्हाट एंड व्हाई द पोएट इज रिक्वेस्टिंग दिस वुड मैन नॉट टू कट द ट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वुडमैन स्पेयर द ट्री इज रिटन बाय जॉर्ज पोप मॉरिस. जॉर्ज पोप मॉरिस, बॉर्न इन 1802, डाइड इन 1864, was an American editor, poet, and songwriter. Woodman Spare That Tree is a poem that talks about saving trees. Okay? The major concern of this poem is saving tree. ठीक है, हम बहुत जगह देखते हैं आज के डेट में हम डिफॉरेस्टेशन बहुत करते हैं, पेड़ों को काटते हैं ताकि हम अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर सकें, बड़े बड़े रोड्स बना सकें, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना सकें, ठीक है, रहने के लिए जगह बना सकें और फैसिलिटीज बना सकें अपने लिए. तो पोएट यहाँ पे उसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं. पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, और उसी की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है. ट्रीज की वजह से ही सॉइल फर्टाइल होता है, हमें जो खाने के लिए फूड मिलता है वो उसी की वजह से मिलता है. शेल्टर, जो रहने के लिए हमें जगह मिलता है, हमें ही नहीं एनिमल्स को भी मिलता है. तो जो ये फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है, ये जो ट्रीज हैं ये बहुत एसेंशियल हैं लाइफ ऑन अर्थ के लिए. आए दिन जो हम सुनते रहते हैं ना, बारिश कम हो रही है, या फिर हम कभी कभी लैंडस्लाइड के बारे में जो सुनते हैं, ठीक है, जो जमीन जो भूस्खलन जिसको कहा जाता है लैंडस्लाइड्स, वो सब क्यों होता है? ट्रीज की कमी की वजह से ही होता है. ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, अगर जो ट्रीज के रूट्स होती हैं वो सॉइल को बांध करके रखती हैं. अगर ट्रीज रहेंगी तो सॉइल जो है वो इंटैक्ट रहेंगे और लैंडस्लाइड जैसी ऐसी जो घटनाएं हैं ये नहीं होंगी. लेकिन हम लोग अपने फायदे के लिए ट्रीज को काटते चले जाते हैं और हम सोचते भी नहीं हैं, इवन वी डू नॉट रीप्लांट अ ट्री अगेन, ठीक है. तो ये इसका जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी, गर्मी बढ़ेगी ट्रीज काटने से, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा अपन को, है ना. तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया और गर्मी का बढ़ना, बारिश कम होना, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाना, उसकी वजह से हमें फूड्स नहीं मिलेंगे. तो ये सारी जो रीजंस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ट्री की कमी की वजह से आते हैं. तो पोएट यहाँ पे ट्री का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस पोएम के थ्रू. पोएट हियर यूजेस द इमोशनल टोन टू सेंसिटाइज अस टू सेव ट्री. यहाँ पे लेकिन पोएट इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में बात करना तो बहुत टिपिकल हो जाएगा. तो पोएट यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली पोएट इज टॉकिंग अबाउट और ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू सेंसिटाइज अस टूवर्ड्स सेविंग द ट्री. सेंसिटाइज करना मतलब हमें संवेदनशील बनाना ट्रीज के अगेंस्ट और ट्रीज के लिए, ताकि हम ट्रीज के बारे में सोचें, हम उसे तोड़े नहीं, उसे काटे नहीं, ठीक है. इसलिए पोएट यहाँ पे स्पेसिफिकली इस एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर नहीं जाएंगे. ही इज एक्चुअली यूजिंग द इमोशनल टोन इन फैक्ट, ठीक है. तो ही इज मेमोराइजिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच्ड विद द ट्री. तो वो एक ट्री को पकड़ते हैं और वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज जो इस ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इमोशनली कहीं ना कहीं वो हमको ट्री से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली वो हमको सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रीज के बारे में सोचें और ट्रीज को ना काटें, ठीक है. इन द फर्स्ट थ्री स्टैंजर्स पोएट इज टॉकिंग टू द वुडमैन. वो वुडमैन से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, इनफैक्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो. एंड इन द लास्ट स्टैंजा ही टॉक्स टू द ट्री. वो ट्री से बात करते हैं. लास्ट स्टैंजा को आप देखोगे, जब हम स्टैंजा देखेंगे आपको समझ में आएगा ये चीज कि स्टैंजा जो लास्ट स्टैंजा है उसमें पोएट ट्री से बात कर रहे हैं. एंड द लास्ट थ्री लाइंस ही कमांड्स द वुडमैन. वो वुडमैन को कमांड करते हैं. पहले थ्री स्टैंजर्स में आप देखोगे कि वो वुडमैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को बताते हुए वो वुडमैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ट्री को मत काटो। लेकिन अगर हम लास्ट स्टंजा की बात करें तो उसमें 8 में से 5 लाइंस जो हैं वो ट्री से बात कर रहे हैं और जो बाकी के 3 लाइंस हैं वो वुडमैन को कमांड कर रहे हैं, वुडमैन को बोल रहे हैं कि खबरदार जो तुमने ट्री को काटा तुम चले जाओ यहां से, लीव दिस ट्री। ठीक है, तो ये है उनका एक टोन इन द लास्ट 3 लाइंस। तो आप लोग को ये पोएम पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा। इस पोएम का राइमिंग स्कीम जो है वो है ए बी ए बी सी डी सी डी। देर आर 8 लाइन्स बेसिकली इन दिस इन ईच एंड एवरी स्टैंजा ऑफ दिस पोएम एंड देर आर टोटल 4 स्टैंजर्स। ठीक है, 4 स्टैंजर्स हैं इस पोएम में, चारों ही स्टैंजर्स में 8 लाइन्स हैं और 8 लाइन्स की जो राइमिंग स्कीम्स हैं वो ए बी ए बी सी डी सी डी हैं। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम मैंने बताया है इससे पहले भी आप लोगों को, ठीक है, इन लास्ट वीडियोज इन लास्ट पोएम्स। तो हम लोग स्टेट ऑफ द पोएम जाएंगे और विल सी। दिस इज स्टैंजा नंबर 1। एट द वन साइड आई हैव रिटन द एग्जैक्ट पोएम एंड अदर साइड आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ द लाइन। ओके, तो अगर आप लोग साइड बाई साइड मीनिंग भी पढ़ते जाओगे तब भी आपको पोएम समझ में आ जाएगा। सो आई विल जस्ट रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड देन आई विल रीड द मीनिंग। द वुडमैन स्पेयर द ट्री, टच नॉट अ सिंगल बाव, इन यूथ इट सेल्टर्ड मी एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ। It was my forefather's hand that placed it near his cot. There, woodman, let it stand. Thy axe shall harm it not. Woodman, leave that tree. Matlab, I am reading the meaning. Woodman, leave that tree. Touch not a single branch. Ek chote se branch ko bhi mat chuna tum. Theek hai? Us tree ko chhod do. Okay? I am young. In my young age, mere young age mein, it gave me a shade. इसने मुझे शेड दिया, इसने मुझे परछाई, इसने मुझे बोल सकते हैं छांव दिया है। ठीक है, शेड मतलब मैं इसके छांव में खेला हूँ अपने बचपन में। एंड नाउ आई एम हियर टू प्रोटेक्ट इट, अब मैं यहाँ पे हूँ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये इट वाज माय फोरफादर हु प्लांटेड हिज ट्री नियर हिज हाउस। वो मेरे फोरफादर्स थे, मेरे पापा के पापा जो थे वो इस प्लांट को, इस ट्री को यहाँ पे प्लेस किए थे, इस ट्री को यहाँ पे प्लांट किए थे। ठीक है, घर के पास में। एंड लेट दैट ट्री स्टैंड वेयर इट इज, जहां पे वो ट्री है वहीं पे रहना चाहिए, उसे वहां पे हिलाओ मत, उसे वहां से हटाने का कोई हक नहीं है तुम्हें। योर एक्स शुड नॉट हार्म इट, जो हमारा जो एक्स है वो उसे हार्म नहीं करना चाहिए उस ट्री को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, सेकेंड स्टैंजा। दैट ओल्ड फैमिलियर ट्री हुज ग्लोरी एंड रिनाउन आर स्प्रेड ओवर लैंड एंड सी एंड वुडस्ट दाउ ह्यू इट डाउन। Woodman, forbear thy stroke, cut not its earth-bound ties. Oh, spare that aged oak, now towering to the skies. You can see the rhyming scheme, which is very simple. A, B, A, B, C, D, C, D. Okay? So, now we'll go to the meaning. That tree, which is familiar to all, whose fame and prestige has spread all over the world. And are you going to cut it down? So, poet yahan pe bolte hain ki kya tum is ped ko kaat doge? जो इतना फेमस है, इतना पुराना ट्री है ये, इसके बारे में सबको जानते हैं, हर सबको जानता है इस ट्री के बारे में, एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस ट्री, और उसका जो फेम और प्रेस्टीज है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, और तुम इस ट्री को काटोगे। वुडमैन स्टॉप हिटिंग दैट ट्री, मतलब तुम उस ट्री को हिट करना, उस ट्री को अपने एक्स से मारना छोड़ो, हटो यहां से। डू नॉट कट इट्स रूट, अपने इस रूट को मत काटो। अर्थ बाउंड टाइज का मतलब यहां पे रूट है। ओके, एंड ओ प्लीज प्लीज लीव दैट ओल्ड ओक ट्री, उस ट्री को छोड़ दो, उस ओल्ड ओक ट्री को छोड़ दो, विच इज टचिंग द स्काई, जो अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो स्काई को टच कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। वेन बट एन आइडल बॉय आई साउट इट्स ग्रेटफुल सीड इन ऑल देयर गसिंग जॉय हियर टू माई सिस्टर्स प्लेड। My mother kissed me here, my father pressed my hand. Forgive this foolish tear, but let that old oak stand. Okay? The meaning, when I was a young boy, I lived in its grateful shade. In all their enjoyment, my sisters used to play here. ठीक है? तो जब मैं छोटा था, जब मैं बहुत ही यंग था, तब मैं यहाँ पे
इसके ग्रेटफुल मतलब इसके थैंकफुल शेड्स की छाँव के नीचे मैं खेला करता था। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस पेड़ की छाँव के नीचे खेला करता था। और मेरे सिस्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट के साथ यहाँ पे खेला करते थे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है। हियर माई मदर शोड हर लव टू मी, मेरे मदर ने, मेरी माँ ने मुझे यहाँ पे मुझे प्यार किया है। ठीक है, यहाँ पे किस्ड का मतलब यहाँ पे प्यार है। मदर को जो है ना हमेशा एक प्यार की तरह सिंबलाइज किया जाता है, और फादर को प्रोटेक्शन की तरह सिंबलाइज किया जाता है। यहाँ पे प्रेस्ड माई हैंड का मतलब प्रोटेक्शन है। ठीक है, ही गेव मी द प्रोटेक्शन, तो माई फादर मेड मी फील प्रोटेक्टेड, मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे प्रोटेक्टेड फील कराया है। ठीक है, तो मेरी जो मदर और फादर की मेमोरीज भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं इस पेड़ से। मेरी सिस्टर्स मेरे साथ यहाँ पे खेला करती थी बहुत इंजॉयमेंट के साथ में, खुशी के साथ में। ठीक है, तो वो भी मेरे साथ में, वो भी जो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। लेट दिस टीयर ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी गो, ठीक है, ये जो मेरा चाइल्डहुड मेमोरी की जो यादें हैं इसे जाने दो। एंड लेट दैट ओल्ड ओक ट्री स्टैंड, और इस ओल्ड ओक ट्री को खड़े रहने दो, इसे काटो मत। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, फोर्थ स्टैंजा। माई हार्ट स्ट्रिंग्स राउंड दी क्लिंग, क्लोज एज दाई बार्क ओल्ड फ्रेंड, हियर सेल द वाइल्ड बर्ड सिंग एंड स्टैंड दाई ब्रांचेस बेंड। Old tree, the storm still brave, and woodman leave that spot. While I have hand to save, thy axe shall harm it not. तो string of my heart is coiled around you. मेरे जो दिल है, मेरा जो दिल के जो तार हैं, मेरे दिल के जो feelings हैं, वो इस tree के around you, यहाँ पे you का मतलब tree है। जैसे कि मैंने बताया था कि last stanza में जो five lines हैं, first five lines, वो poet tree से बात कर रहे हैं, और उसके बाद पोएट यहां पे फिर से वुडमैन से बात करते हैं और उसको कमांड करते हैं। तो यू कैन सी इन दिस स्टैंजा, बहुत ही इजीली देख सकते हो आप। तो यहां पे क्या है, स्ट्रिंग टू माय हार्ट, मतलब जो मेरे स्ट्रिंग, मेरे हार्ट की जो फीलिंग्स हैं, मेरे इमोशंस हैं, वो पेड़ के साथ में जुड़ी हुई हैं। एंड एज क्लोज एज द बार्क ऑफ योर्स, मतलब जैसे जितने क्लोज आपके बार्क, पेड़ के जो बार्क हैं वो जुड़े हुए हैं आपसे। ठीक है, या आपके यहाँ पे ओल्ड ट्री बोला जा रहा है, उसको यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, दैट ओल्ड फ्रेंड लाइक, तो ओल्ड फ्रेंड यहाँ पे ट्री को बोल रहा है पोएट, और बोलता है कि पोएट बोलते हैं कि ओल्ड जो मेरा ओल्ड फ्रेंड, मेरा जो ट्री है उसके जो बार्क्स हैं, जैसे उसके स्किन हैं जो जो वो से चिपके हुए हैं, उसी तरीके से जो मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे हार्ट के जो इमोशंस हैं, जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, वो इस पेड़ के साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एंड सीजनल बर्ड्स शैल सिंग ऑन यू दो योर ट्रीज ब्रांचेस बैंड, जो सीजनल बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स का जो सीजन्स वाइज कभी कभी आते हैं, वो सभी बर्ड्स यहाँ पे आए आपके ऊपर बैठें और वो गाना गाएं। मैं ऐसा चाहता हूँ, दो योर ट्री बैंड ब्रांचेस बैंड, जो कि उसके अब इस इवन अब जब आपके ट्रीज के जो ब्रांचेस हैं वो बैंड हो जाएंगे, फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो जो बर्ड्स हैं जो गाना गाते हैं आपके ऊपर बैठ के, वो आकर गाना गाएं। ओल्ड ट्री यू आर ब्रेव विथ स्ट्रॉन्ग विंड एंड वुडमैन यू शुड लीव दिस प्लेस। ठीक है, तो यू आर ब्रेव विद द स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब कि वो जो तुम्हारे, तुम जो हो बहुत ही ब्रेव हो, तुमने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग विंड्स को झेला है, एंड यू आर स्टिल ब्रेव, अभी भी आप ब्रेव हो। ठीक है, और आप इसको झेल सकते हो। और फिर उसके बाद वो लास्ट थ्री लाइन में वुडमैन को कमांड करते हैं, एंड ही सेज दैट लीव दिस प्लेस एंड एस आई एम हियर टू सेव द ट्री योर एक्स शुड नॉट हार्म इट, मैं यहाँ पे हूँ इस ट्री को बचाने के लिए, और तुम्हारा एक्स जो है वो तुम इस ट्री को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो कमांड कर रहे हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। इट्स अ वेरी सिंपल पोएम, यू कैन वेरी इजीली गेट इट, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कम ऑन द व्हाट्सएप। एंड इन दिस वे वी विल बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।